क्षेत्र के सुतिहार बाजार पर राष्ट्रीय सहयोग पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक वर्मा व राष्ट्रीय महासचिव अजीत कुमार पांडे ने भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं द्वारा अध्यक्ष तथा महासचिव का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष तथा महासचिव द्वारा परसा विधानसभा क्षेत्र से मुनीश्वर प्रसाद गुप्ता उर्फ मुन्ना सोनार को पार्टी का उम्मीदवार की घोषणा की गई। उपस्थित कार्यकर्ताओं की सहमति से मुन्ना सोनार को अध्यक्ष द्वारा पार्टी का टिकट प्रदान किया गया और उज्जवल भविष्य की कामना की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वर्मा ने कहा कि बिहार में जाति धर्म की नकारात्मक राजनीति के कुपरिणाम को जनता समझ चुकी है। जनता अब जाति धर्म से हटकर अपना प्रतिनिधि चुनेगी। रचनात्मक बदलाव लाने के लिए लोग राष्ट्रीय सहयोग पार्टी के उम्मीदवार मुन्ना सोनार को वोट कर जीत दिलाने की उम्मीद जताई। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि परसा विधानसभा के लिए विकास के लिए पार्टी द्वारा मैप तैयार करने तथा स्थानीय समस्या की शीघ्र समाधान करना पार्टी की पहली प्राथमिकता होने की बातें कही। D11 टीवी के लिए परसा से सोहन ठाकुर की रिपोर्ट। सबसे पहले तो पार्टी का एक सिद्धांत ही है, पार्टी के पास एक रोड मैप है और रोड मैप पहले से बना हुआ है हमारे पास कि परसा का विकास कैसे करेंगे। वह रोड मैप इनके साथ शेयर करके और परसा में जो स्थानीय समस्या है उस स्थानीय समस्याओं का निराकरण सबसे पहला प्राथमिकता हमारी होगी। उसके बाद नौजवान जो भटक रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, उन्हें काम मिल सकता था, उनकी बेरोजगारी दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। उसके लिए रोजगार मेला वगैरह लगाकर और उन्हें रोजगार देने का प्रयास करेंगे। जैसे था कि मुन्ना सोनार के प्रति लोगों का कितना समर्थन प्राप्त है यह देखते हुए इन्हें परसा विधानसभा का उम्मीदवार बनाना मुख्य उद्देश्य था और लोगों को बताना कि रचनात्मक राजनीति क्या है और लोगों की सहमति प्राप्त करके इन्हें उम्मीदवार घोषित करना।